हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक पर। फ्रेंड्स, न्यू टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3-4 दिन से आप सभी देख रहे हैं, 4 या 5 फोटो हैं जो बहुत वायरल हो रहे हैं। एक किसी के हाथ में है और किसी हॉस्पिटल की है, बाकायदा वो दिखा रहे हैं। तो एक बच्चा जो है उसकी स्ट्रक्चर बहुत डरावनी है, कछुए टाइप में लग रही है। तो आपने देखा होगा और परेशान भी हैं सब। आखिर उसको कोई न्यूज़ भी नहीं है, कोई आज तक अभी भी कोई न्यूज़ उसको दिखा नहीं रहा है। तो उसकी सच्चाई क्या है सब बेताब है जानने के लिए। कोई बता रहा है कि वो फ़ोटो जो है आपने देखे कि मुरादाबाद की है, कोई लखनऊ के हॉस्पिटल की है, कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाल भी हैं और पैदा होने के तुरंत बाद वो 1 घंटा जीवित रहा है और उसने बोला है कि दुनिया पर अजाब आने वाला है, मैं अल्लाह का वली हूँ इस तरीके से। और कोरोना वायरस से बचने के लिए अदरक का गर्म पानी करके पियो तो उससे कोरोना नहीं आएगा। तो उसके पीछे की सच्चाई क्या है कि आखिर में बच्चे तो ऐसे वाकई पैदा होते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या ये न्यूज़ सच्ची है या गलत है? ये मुरादाबाद की, लखनऊ की, कहाँ की है? तो इसकी पूरी कहानी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। फिलहाल दोस्तों, मैं हूँ आरिफ खान और आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने आरिफ फार्मा क्लिनिक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे ये जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं इन बच्चों की, तो आप फोटो देखकर समझ गए होंगे 2-4 दिन से बहुत परेशान हैं सब और वायरल बहुत हो रहे हैं। आखिर पता नहीं लगा पा रहा है कोई भी कि ये फोटो देखने में तो बहुत अच्छी सच मतलब सही लग रही है कि सही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें 2 कारण हो सकते हैं। अगर ये बच्चा वाकई कहीं पैदा हुआ है तो उसका क्या है उसकी मैं बात बताऊंगा। फिलहाल तो ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेक, ये एक बिल्कुल फेक न्यूज़ है, किसी ने ऐसी वायरल की है और थोड़ी एडिटिंग भी है। अगर एडिटिंग नहीं भी है, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके पीछे कारण क्या होता है? क्या वाकई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं? जी हाँ दोस्तों, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनको गलत यूज़ करने से, जब वुमन जो है प्रेग्नेंट होती हैं लेडी, और कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं उनको खाने से इस तरीके के बच्चे पैदा होते हैं कछुए का आकार। तो मैं उन दवाइयों का नाम भी बताऊँगा जो बिल्कुल भी अपने डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खानी चाहिए आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको टेराटोजेनिक ड्रग जो होती हैं, टेराटोजेनिक ड्रग के यूज़ से इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बताऊंगा टेराटोजेनिक ड्रग क्या होती है। टेराटोजेनिक ड्रग वे ड्रग होती हैं जो इनको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड, टेराटोजेनिक ड्रग जो होती हैं, क्या होता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके पेट में जो बच्चा होता है वो जीता है प्लेसेंटा के सहारे। फ्रेंड, जब वो दवाइयाँ खाती हैं तो क्या होता है, प्लेसेंटा के सहारे जब बच्चा जो जीता है तो दवाइयाँ प्लेसेंटा को क्रॉस कर बच्चे तक पहुँच जाती हैं, जबकि हमें वो दवाइयाँ जो देनी होती हैं उसकी माँ को देनी होती हैं, ना कि बच्चे को। और जब वो दवाइयाँ बच्चे तक पहुँच जाती हैं तो उसका गलत इफेक्ट देखने को मिलता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को बच्चे की मिलती है। फ्रेंड, सबसे पहले एक ड्रग होती है बारफेरिन। तो दोस्तों, बारफेरिन ड्रग जब यूज़ करती है लेडी तो बारफेरिन सिंड्रोम देखने को उस बच्चे में मिलता है जो पेट के अंदर होता है। बारफेरिन सिंड्रोम क्या होते हैं दोस्तों, बच्चे में आँख, कान, नाक इस तरीके के जो है उनकी बनावट पूरी नहीं हो पाती है, वो अधूरा रह जाता है, बहुत डरावना लगता है जब वो पैदा होता है। और लिथियम, अगर किसी मेडिसिन में लिथियम है तो मतलब लिथियम को भी यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है घेंगा रोग बच्चे को होता है। और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है टेराटोजेनिक ड्रग पर, फिलहाल मैंने इन फोटो को देखकर ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट दवाई है थैलेडोमाइड। दोस्तों, थैलेडोमाइड जो होती है तो इसको यूज करने से क्या होता है, फोकोमेलिया। फोकोमेलिया मतलब कि बच्चों का जो स्ट्रक्चर होता है वो कछुए की तरह होता है, आपने सभी ने कछुआ देखा होगा। तो बच्चे का इस दवाई को लेने से जो है क्या होता है, बच्चे का जो स्ट्रक्चर होता है वो कछुए की तरह हो जाता है। जो इन फोटो में आप देख रहे हो शायद इसी टाइप के हैं। तो हो सकता है अगर ये बच्चे पैदा हुए हों तो उसकी माँ ने इन दवाइयों को यूज़ किया हो, तो इसी वजह से इस बच्चे के स्ट्रक्चर इस तरह है। फिलहाल तो ये न्यूज़ जो है ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चा पैदा भी हुआ है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बोला है जी आए, ये तो फालतू की बात है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, फिलहाल मैंने नॉर्मली 2 दवाइयां आपको बताती हैं। अगर पूरी जानकारी इसके बारे में लेनी है तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, आई बटन में आप जाकर दे सकते हो या मेरे चैनल पर है, वहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, इसकी सच्चाई ये थी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।